टॉपिक है उसका नाम है हाइलोजन के आक्सो अम्ल के बारे में जिक्र करना है। हाइलोजन आप पढ़े हैं, वर्ग 17 के जो तत्व होते हैं उसको हाइलोजन तत्व कहते हैं, जो आपके सामने लिखा गया है। क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, SST। देखो जब हाइलोजन के अम्ल में या जब हाइलोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है तो इसी को हाइलोजन का क्या कहते हैं, ऑक्सो अम्ल कहते हैं। इसके पहले आप पढ़ चुके हैं फास्फोरस का ऑक्सो अम्ल भी पढ़ चुके हैं कि जब फास्फोरस के साथ ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसको फास्फोरस का ऑक्सो अम्ल कहते हैं। सल्फर के ऑक्सो अम्ल भी आप पढ़ चुके हैं कि जब सल्फर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो तो उसे सल्फर का ऑक्सो अम्ल कहते हैं। तो आज हाइलोजन की बात होगी और हाइलोजन की जब बात होगी तो वर्ग 17 की बात होगी। तो एक पहले कदम लिखते हैं हम लोग, लिखेंगे कि जब हाइलोजन तत्व के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हो, ऑक्सीजन जुड़ा हो तो उसे हाइलोजन के ऑक्सो अम्ल कहते हैं। हाइलोजन के ऑक्सो अम्ल कहते हैं। ये बात रहा फर्स्ट, आप सबको याद भी हुआ कि हाइलोजन के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ा हो तो उसे हाइलोजन के ऑक्सो अम्ल कहते हैं। उदाहरण में बहुत कुछ आपको सिखाना है मुझे, उदाहरण में आपके सामने हम चाहेंगे कि जो आपके पास बनाया गया है उसका नाम मैं लिख के दिखा दूं, कोष्ठक के साथ यहाँ पर ही बना देते हैं। इस तरीके से आपके किताब में बनाया गया है और इस कोष्ठक को आप अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। हाइलोजन के ऑक्सो अम्ल लिखा है, यहाँ पर आपके पास एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, एक और बना लीजिए पांच लाइन, कॉपी पर आप लोग भी बना लीजिए। खूब इसको समझना है, पहले पहला जो है उसका नाम है हाइपोहेलस अम्ल। यहाँ पर लिखा गया पहला हाइपो, खाली नीचे वाला ही जानिए, हाइपोहेलस अम्ल। दूसरा जो लिखा गया उसका नाम है हेलस अम्ल, हेलस अम्ल। यहाँ पर देखिए हाइपोहेलस अम्ल के यहाँ पर एक लिख लो और जो हेलस अम्ल है उसको दो लिख, तीन लिख लो, तीन दिया सर। जो हेलिक अम्ल है, अब एक और खींच लो, जो हेलिक अम्ल है आप उसको पांच लिख सकते हैं। ये सब ऑक्सीकरण संख्या लिख रहे हैं। और जो पर हेलिक अम्ल है, पर हेलिक अम्ल है, इसका ऑक्सीकरण संख्या 7 दिखा रहा है। कितना दिखाया, 7। देखो यहाँ पर लिखा है HOF, फिर HOCl। देखो यहाँ पर थोड़ा सा F है, Cl है, Br है और यहाँ पर I है, तो यहाँ पर HOBr हो जाएगा, यहाँ पर HOI हो जाएगा। अब इसमें केवल HOCl ही बना है, Cl फिर O बन गया है, फिर यहाँ पर HOCl O2 बन गया और इसमें HOBr O2 बन गया है, HOI O2 बन गया है। ए मत बतिया यार, ब्लैकबोर्ड पर लिखो ना, तुमको टाइम ही नहीं मिलेगा लिखने से। आज सीखो क्या हो रहा है। चलिए ये जो लिखा गया इसमें माने ये जो तत्व होगा ये नहीं बनाएंगे सब, पहले समझना तब बनाना। समझो
कैसे इसका नाम लिखेंगे? ये देखो H2O, मैंने आपको बताया कि जब हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी जुड़ा हो तो हम उसको हाइड्रोजन के ऑक्सो अम्ल कहना चाहेंगे। यहाँ H2O F जुड़ा, यहाँ H2O HCl जुड़ा, H2O Br जुड़ा, H2O I जुड़ा, यहाँ पर H2O Cl के साथ एक O जुड़ा फुल, ये बाकी सब कोई नहीं बनाता। यहाँ H2O Cl के साथ O2 जुड़ेगा, खाली वो तो बढ़ रहा है, बाकी कुछ बढ़ नहीं रहा। ए सुनो ना, ये नाम सुनो, हाई हाइपोहेलस अम्ल लिखला बा, हाइपो हेलस अम्ल लिखा है ना, तो कोई आपसे पूछे कि इसका नाम बताइए का होगा, जो किताब में लिखा भी है शायद, इसका कोई नाम पूछेगा तो लिखिएगा हाइपो, हाइपो तो आगे जुट जाएगा, ये आपके लिए लिखिएगा फ्लोरस और अम्ल, समझे? फिर एच के लिए हाइपो, हाइपो क्लोरस सी एल वा अम्ल लिख लीजिएगा, फिर हाइपो ब्रोमस अम्ल, फिर हाइपो आईडोएस अम्ल लिखा जाएगा। हाँ, खाली हाइपो 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 लगा देना, या क्या हेलस अम्ल खाली कह रहा है, कौन अम्ल? हेलस अम्ल, तो इसका मतलब होगा खाली इसका नाम होगा क्लोरस अम्ल, क्लोरस अम्ल। इसका हेली कह रहा है तो इसका क्या हो जाएगा? क्लोरिक, क्लोरिक अम्ल हो जाएगा। इसका क्या नाम होगा? ब्रोमिक अम्ल हो जाएगा। इसका क्या नाम होगा? आयोडिक अम्ल हो जाएगा। इसका देखो पर हैलिक अम्ल, तब पर क्लोरिक सीएल बता क्लोरिक अम्ल होंगे, लिख लो पर ब्रोमिक अम्ल लिख लो, या पर आयोडिक अम्ल लिख लो, ये लिखा जाएगा सबका। हाँ, सब यहीं से लिख रहे हैं, पर खाली हेलिक चेंज करना है बस, सी एल रहेगा तो क्लोरिक लिख दो, बी आ रहेगा तो ब्रोमिक लिख दो, आई रहेगा तो आयोडिक लिख लो, या रहेगा तो फ्लोरिक लिख लो। हाई कोई नहीं बनाएगा फ्लोरी, क्योंकि उसका मात्र ऑक्सीकरण संख्या -1 होता है, बाकी कोई ऑक्सीकरण संख्या प्रदर्शित नहीं करता है, सबसे छोटा होता है, उसमें डी कोष अनुपस्थित होता है, इसीलिए केवल ये यही बनाता है, इसके आगे नहीं बनाता, तो बना लेता है। कोई बढ़िया, कोई पूछना है और कुछ बातें इसमें आपको?